मैं कीर्ति परोहा, कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हमने आपके यूनिट फर्स्ट में प्रजनन और उसके प्रकार के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया था, उसको समझा था, और आज हम पढ़ेंगे उसी के अंतर्गत। हमने इसके पहले अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन को बहुत अच्छे से समझा था, किस प्रकार होता है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। इसके उपरांत आज हम आपका शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 2, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन अर्थात जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं बच्चों। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो पुष्प है, जो भी फ्लावर आप देखते हैं प्रकृति में, वो सब कैसे हैं, बहुत ही सुंदर रहते हैं, प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ हर प्रकार के साहित्य में पुष्पों की सुंदरता, उनकी तुलना और उनके बारे में बहुत ही विशाल रूप से जो गाथाएं हैं, जो कविताएं हैं, वो लिखी गई हैं, और आप सब बहुत अच्छे से इनको अध्ययन भी करते रहते हैं। इंग्लिश में डैफोडिल्स हो गई और हिंदी में पुष्प की अभिलाषा हो गई, इस प्रकार के अनेकों कविताएं फूलों के ऊपर लिखी गई हैं और बताई गई हैं। अगर हम जीव वैज्ञानिक रूप से देखें तो जो जो भी प्लांट्स क्या लेते हैं, फ्लावर बेयरिंग प्लांट रहते हैं, जो अपने जिनके मतलब कभी पौधे के अंग में फ्लावर आते हैं, ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जितने हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं, पुष्प धारण करते हैं, उनमें जीवन में, उनकी जीवन अवस्था में कहीं ना कहीं पुष्प धारण होता है, तो ये पुष्पी पौधे कहलाते हैं। एंजियोस्पर्मिक है ना, पुष्प धारण करने वाले, जो जीवन की किसी न किसी अवस्था में पुष्प का निर्माण करते हैं और उसके माध्यम से लैंगिक प्रजनन की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो पहला है कि पुष्प जो है आवृत बीजियों का आकर्षक अंग माना गया है, तो बिल्कुल सही बात है कि हम देखते हैं कि प्रकृति में भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। इनमें से बहुत को तो हम बहुत अच्छे तरह से पहचानते हैं और बहुत कुछ के बारे में हम जानते भी नहीं है, और अभी भी ऐसे अनेकों पुष्प हैं जिनकी खोज होना बाकी रह गई है, और ये हमारे जीवन के हर खुशी से, दुखी से, हर अवस्था में संपर्क रखते हैं। अगर हम यूं कहें तो जैव विविधता में पादपों के जो उन्नति है, जो सीड बीज का जो निर्माण होता है, वो सब किसके माध्यम से होता है, पुष्प के द्वारा, क्योंकि जो पुष्प है या फ्लावर है वो पौधे का सेक्सुअल पार्ट माना गया है। पुष्प जो है वो पौधे का लैंगिक प्रजनन अंग है। अब हम देखें तो पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के चार भाग हैं। पहला है कैलेक्स अर्थात बाह्यदल, दूसरा कोरोला अर्थात दलपत्र, तीसरा एंड्रोशियम अर्थात पुमंग, चौथा गायनोशियम अर्थात जायांग। ये जो है कैलेक्स, करोला अर्थात बाह्यदल और दलपत्र, इनको पुष्प के सहायक अंग माना गया है। ये पुष्प के सहायक अंग है, पुष्प के विकास में और पुष्प की सुरक्षा के लिए ये उसको सहायता प्रदान करते हैं। सबसे पहले हम देखें बाह्यदल, जो जब आप देखते हैं बच्चों की जब कली खिलती है तो वो पूरी तरह से एक हरे कलर के आवरण में पैक रहती है, तो उस हरे आवरण से पुष्प के, ये हरा आवरण जो रहता है बाह्यदल का, ये पुष्प को अंदरूनी सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे कली विकसित पुष्प में विकास होता है, तो उसमें कलरफुल, आपको ऐसे कलर, पुष्प का जो कलर होता है, पुष्प की जो सुंदरता रहती है, वो इन दल पत्रों के कारण होती है। ये विभिन्न कलर के होते हैं, भांति भांति के होते हैं, इनकी संख्या निश्चित भी होती है और अनिश्चित भी होती है, तो ये दलपत्र जो रहते हैं ये पुष्प को सुंदरता प्रदान करते हैं और परागण के लिए कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं, जिससे कि आगे परागण की क्रिया संभव हो सके। तो ये दोनों बाह्यदल और दलपत्र पुष्प के सहायक अंग कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें एंड्रोशियम, जो कि पुष्प का नर जननांग है, तो ये दो भागों से मिलकर बनता है, एंथर अर्थात पराग कोश और तंतुनुमा जो संरचना होती है, तंतु
पराग कोश और तंतु दोनों मिलकर के उमंग अर्थात पुष्प का नर जनन अंग बनाते हैं। इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम अपने आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। इसके बाद चौथा नंबर का जो है पार्ट, उसको कहते हैं गायनोशियम या जायांग। ये जो है ये मादा जननांग कहलाता है और ये मिलके बनता है वर्तिका। ये आप देख रहे बच्चों, यहाँ पर ये वर्तिका कई सेक्शंस में बटी हुई दिखाई देती है जो चिपचिपी भी होती है ताकि पराग कणों को अपनी ओर आकर्षित कर सके और पराग कण उसमें स्टिक हो सके। इसके बाद ये वर्तिकाग्र जो है एक लंबी पोली ट्यूब में बदल जाती है जिसको कहते हैं वर्तिका, और वर्तिका नीचे जाकर के अंडाशय में इसका संरचना समाप्त तो होती है और अंडाशय में ओव्यूल अर्थात बीजांड का निर्माण होता है। तो हम देखेंगे कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मिल करके पुष्प का मादा जननांग अर्थात जायांग की रचना करते हैं। चित्र से समझा था कि पुष्प के जो भाग हैं उसको चार भागों में बांटा गया है। पहला हो गया पुमंग अर्थात नर जननांग, इसको कहते हैं हम नर जननांग। ये पुष्प का नर जननांग निर्मित करता है और ये जो होता है ये दो भागों से बटके बना होता है जो है पराग कोश और तंतु, उसको पुतंतु भी कहा जाता है, दोनों शब्द कहे जाते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखिए कि जो पुमंग है या नर जननांग है वो दो भागों से मिलके बना, पहला पराग कोश और दूसरा पुतंतु। तो ये ऊपर जो दो पाली नुमा संरचनाएं दिखाई देती है ये पराग कोश कहलाते हैं। इसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है और दूसरा एक पतली नलिका का ट्यूब दिखाई दे रही है जो पुष्पासन से जुड़ी रहती है, उसको पुतंतु कहा जाता है। अब अगर हम बात करें जायांग की, जो कि पुष्प का कौन सा अंग बनाता है, मादा जननांग बनाता है, कौन सा फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर को निर्मित करता है, तो इसको हम पुष्प का मादा जननांग भी कहते हैं, गायनोशियम कहते हैं, इत्री केसर भी कहते हैं। बेटा इसके कई नाम है। ये जो जायांग, जैसा कि हमने पहले देखा पहले की स्लाइड में, तीन भागों से मिलकर बना है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये तीन भागों से मिलकर के पुष्प के मादा जननांग की रचना होती है। तो अगर हम एक गुड़हल के प्रारूपिक पुष्प को देखेंगे तो पाएंगे कि गुड़हल के प्रारूपिक पुष्प में इस प्रकार से पांच वर्तिकाग्र पतली ट्यूब में, खोखली ट्यूब में बनी हुई रहती है जो वर्तिकाग्र बनाती है, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। आपने पिछले प्रारूपिक पुष्प में भी इसको बहुत अच्छे से देखा। और ये पतली खोखली नलिका जो संरचना है ये बनाती है वर्तिका। अगेन ये एक फूले हुए स्ट्रक्चर में खत्म होती है जिसको कहते हैं अंडाशय। और ये जो अंडाशय रहता है ये पुष्पाशन के ऊपर अवस्थित रहता है, तो यहां से इसका पुष्पाशन चालू हो जाता है। तो इस प्रकार ये पुष्प का मादा जननांग निर्मित करता है। तो बच्चों ये थे हमारे पुष्प की संरचना और इसके बारे में। आगे के वीडियो में हम इसमें निषेचन पूर्व की घटनाएं, निषेचन कैसे होता है वो, और उसके बाद कैसे बीज का निर्माण होता है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक बच्चों आप इसको बहुत अच्छे से नोटबुक में नोट करें, इसके डायग्राम्स अपनी कॉपी में बनाएं और अच्छे से लर्न करें। थैंक यू बच्चों।